हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द इंडियन पार्लियामेंट, इस चैप्टर की क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस चैप्टर के नोट्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सारे टेक्स्ट बुक्स के ही मार्किंग मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, जैसे आपको दिख रहा है चैप्टर सामने। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन पर ऑल कर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम सब करवा रहे हैं आपके इस चैनल पर, 8 स्टैंडर्ड के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए भी है, राइटिंग स्किल, ग्रामर, मैथ्स सब करवाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स हम इस चैप्टर के देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपके। तो एक्सरसाइज की पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट है, कैंडिडेट्स टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसेस। ओके, जो मैंने बॉक्स में किया है वो आपका आंसर है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंडियाज क्वेश्चन है, इंडियाज डैश इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसका सही वाला आंसर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट, जो मैंने बॉक्स में किया है वो आपका आंसर है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फाइंड एंड राइट। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, थर्ड, the responsibility, second, the responsibility of making laws is with parliament. Okay, parliament लिखना है। First वाले question में member of parliament, second में आपको सिर्फ parliament. Okay, third question देख लेते हैं, explain following statements with reason. Okay, तो first question है, राज्यसभा is a permanent house, इसको आपको explain करना है reasons के साथ। तो इसका answer 3.1 का answer देखते हैं हम कहाँ है। तो फ्रेंड्स, 3.1 के आंसर के लिए आपको आना है पेज नंबर 72 पर। ओके, पेज नंबर 72 पर आ जाना है आपको। ओके, पेज नंबर 72 पर आकर, जो देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा ये वाला है ना, पेज नंबर 71 पर राज्यसभा ये कॉलम है, इसके नीचे नीचे आना है, पेज नंबर 72 आ जाएगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 72 पर ये जो आपका पैराग्राफ है, राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कम्प्लीटली, हैंस इट इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु हैव कम्प्लीटेड दैट टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाई स्टेप, राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली। ये जो बॉक्स में मैंने पूरा किया है हाईलाइट, वही आपका 3.1 का आंसर है। ओके, अभी 3.2 का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, 3.2 का आंसर कौन सा है। तो 3.2 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस। तो इसके लिए आपको आना है पेज नंबर 71 पर। पेज नंबर 71 पर आ जाना है, सबसे स्टार्टिंग में जो आपका ये लोकसभा का पैराग्राफ है उसमें ही आपका ये आंसर है। तो 3.2 का आपका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से, द लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल, हैंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस। तो ये जो हाउस के उधर आपका आंसर हो जाएगा 3.2 का। ओके, द मेंबर ये सब नहीं आएगा, ये वाला पार्ट दूसरे को आंसर का है। ओके, द मेंबर से खाली आपका हाउस तक ही रहने वाला है, द लोकसभा से स्टार्ट होगा और हाउस पर खत्म होगा, जहां तक मैंने रीड किया है। ओके, गॉट इट, ये 3.2 का आंसर है। अब हम आते हैं 4.1 पर। ओके, 4.1 का आंसर देख लेते हैं, पहले उससे पहले हम 4.1 का क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग इन 25-30 वर्ड्स। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, कैसे लोकसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो इसके लिए हमें आना है 4.1 पर, 4.1 है ये हमारा आंसर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4.1 का देखना है आंसर, इसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 71 पर। ओके, जहां हम अपने आंसर देखे थे। तो 4.1 का आंसर इधर से स्टार्ट होगा,
द मेंबर से. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसेस. द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 years. द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. ये आपका 4.1 का आंसर है. ओके, द मेंबर से. अभी फ्रेंड्स हम आ जाएंगे 4.2 के पास. ओके, 4.2 के पास. 4.2 तो सेकेंड 4.2 है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो इसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 73 पर. पेज नंबर 73 पर ये वाला जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये वाला पूरा पैराग्राफ आपका 4.2 का आंसर है. ओके, 4.2 का मैं एक बार रीड कर देता हूँ. लोकसभा रिप्रेजेंट्स द सिटीजंस एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द लोकसभा. आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज स्पीकर ही और शी हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इन एन अनबाइज्ड मैनर. लोकसभा मेंबर्स हैव सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. दिस आर टेकन केयर बाय द स्पीकर. अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीकर हैज टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस एज वेल एज इंटरप्ट द रूल्स ऑफ interpret the rules of daily functioning of the house and working accordingly. Okay, ये 4.2 का answer है friends आपका. अभी हम आते हैं question number 5 पर. तो question number 5 है हमारा, explain the steps involved in the law making process. तो law यानी कि कानून कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या steps होते हैं, वो हमें बताना है. तो जैसे कि हमने chapter में पढ़ा था, 3 readings होती है. तो पहले देख लेते हैं. सबसे पहले आपको लिखना है ए पॉइंट डालकर, पॉइंट नंबर ए, फर्स्ट रीडिंग. ये पूरा लिखना है, फर्स्ट रीडिंग भी लिखना है आपको. फर्स्ट रीडिंग लिखकर ऐसे 2 डॉट डालना है. फिर उसके बाद लिखना है द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट्स द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स नेचर वाइल प्रेजेंटिंग इट. दिस इज कॉल एज फर्स्ट रीडिंग. तो इसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है. ये पूरा लिखना है बॉक्स का. अब सेकेंड रीडिंग, अभी आपको इधर बी डालना है और सेकेंड रीडिंग लिखना है और 2 डॉट डालकर लिखना है. देर आर 2 स्टेजेस ऑफ सेकेंड रीडिंग्स. इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज्ड बिल आर डिस्कस्ड एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन इट. ये आपको लिखना है. इसका ही सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड रीडिंग का ही सेकेंड पॉइंट. Now the second phase of the second reading begins. In this phase, the bill is discussed clause by clause. Members can suggest changes after this voting is taken in the house. ये second reading हो गया आपका. अभी आपको इधर third C डालना है और लिखना है third reading. The bill is discussed briefly again during the third reading. Voting is taken for approving the bill. खाली बिल तक ही लिखना है. इधर इफ था जो कि मैंने ऐसे रेड कलर से कर दिया है ताकि आपको इफ ना दिखे. आपकी बुक में इफ दिखेगा आपको, पर वो इफ को नहीं लिखना है. ओके, अभी इसमें ही थर्ड रीडिंग का सेकेंड पॉइंट. आफ्टर द फाइनल असेसमेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल इज कन्वर्टेड इनटू द लॉ एंड द लॉ इज मेड. तो फाइनली लॉ बन चुका है. तो ये पूरा आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का. ओके, इसी के साथ हमारी इधर की एक्सरसाइज खत्म होती है. वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिक्स और गाइस राइटिंग स्किल के सारे आपको हम 8th स्टैंडर्ड में जो जो पढ़ाई होगी उसकी मदद करने के लिए चैनल पर वीडियोस लाते रहेंगे. तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बाय फ्रेंड्स.